गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे थेवेनिन के प्रमेय का सत्यापन करना, टू प्रूव द थेवेनिन थ्योरम। और थेवेनिन थ्योरम में जो हमारा थेवेनिन वोल्टेज है उसके लिए फार्मूला है वी आर टू अपान आर वन प्लस आर टू, एंड दो थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए जो हमारा फार्मूला है दैट इज़ द आर वन आर टू अपान आर वन प्लस आर टू। जो हमारी सर्किट है, जो हमने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के रूप में यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो हमने जोड़ा है, हमारे पास एक डीसी सोर्स है, एक रेजिस्टेंस आर वन है, दूसरा रेजिस्टेंस आर टू है और एक लोड रेजिस्टेंस आर एल है, जिसके साथ सीरीज़ में हमारे पास एक मिली एम्पियर हमने जोड़ा है। तो हम इसी सर्किट के हिसाब से हमारी एक्सपेरिमेंटल सेटअप को रखेंगे। अब थेवेनिन थ्योरम के अनुसार ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एक ऐसे सिंपल सर्किट के इक्विवेलेंट है जिसमें कि केवल एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में है। और ये जो थेवेनिन वोल्टेज जो है यहाँ पर का वो वोल्टेज है जबकि हम लोड रेजिस्टेंस को निकाल कर जो रेजिस्टेंस हम निकालते हैं दैट इज़ इक्वल टू द थेवेनिन वोल्टेज, एंड यहाँ पर जब रेजिस्टेंस को निकाल कर जो हम रेजिस्टेंस लेते हैं दैट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर टी। और इन दोनों को लगाकर हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट बनाई जो कि हमारी थेवेनिन सर्किट कहलाती है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो इस तरह से है कि जहाँ पर सबसे पहले हम अप्लाइड वोल्टेज हम लेंगे जो हमारे सर्किट में हमने लिया, R1 की जो वैल्यूज़ हम यहाँ रखना चाहते हैं वो यहाँ रखेंगे, R2 की वैल्यूज़ जो हम यहाँ रखना चाहते हैं वो रखेंगे, फिर हमारे इस फार्मूले से हमने VT की वैल्यूज़ कैलकुलेट करी और RT की वैल्यूज़ यहाँ कैलकुलेट करी। ये हमारी इस मिली एम्पियर जो हमारा सेटअप है, इस मिली एम्पियर पे जो वैल्यूज़ है करंट की हम वो यहाँ से ऑब्जर्व वैल्यूज़ है और ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है जो इन फार्मूला से निकली हुई वैल्यूज़ पर बेस्ड है। यदि करंट जो लोड करंट है ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज़ है और ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है, यदि ये आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल या एग्जैक्टली इक्वल होते हैं तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। अब वो सर्किट के हिसाब से हमने यहाँ पर हमारा सर्किट डिज़ाइन किया है। यहाँ पर ये हमारे पास डीसी सोर्स है, ये आर वन के रूप में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ किया है, आर टू के रूप में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ यूज़ किया है, ये आर एल के रूप में हमने एक फिक्स रेजिस्टेंस जो कि 100 ओम का है वो हमने यूज़ किया है, और ये हमारा मिली एम्पियर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इस मिली एम्पियर की टोटल रेंज जो है वो 50 है, इसलिए 50 मिली एम्पियर तक की रीडिंग कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम सबसे पहले हम अपनी पावर सप्लाई को ऑन करते हैं जो कि डीसी डिजिटल वोल्ट मीटर है, वोल्ट सोर्स है। इसको लगभग हमने रख दिया, सपोज़ हमने इसको 2 वोल्ट हमने दिया, इस तरह से जब हम इसको 2 वोल्ट दे रहे हैं, हमने R1 की वैल्यूज़ जो रखी है लगभग 200 हमने रखा है यहाँ पर, R1 की वैल्यूज़ 200 ओम। उसी तरह से ये R2 की वैल्यूज़ भी हमने 200 ओम रख दिया, इसलिए आप जब अपने टेबल पे रखेंगे तो ये वोल्टेज जो है आप 2 वोल्ट रखेंगे, R1 की वैल्यूज़ जो है आप 200 ओम फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ R2 की वैल्यूज़ 200 ओम, RL जो हमारा वो लगा हुआ है 100 का, और अब इसके अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो हमको करंट मिल रही है वो 3 डिवीज़न है, अर्थात पॉइंट ये 3 मिली एम्पियर हमको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि 10 मिली एम्पियर जो है वो 10 डिवीज़न में डिवाइड है, इसलिए एक डिवीज़न की वैल्यूज़ हो जाएगी 1 मिली एम्पियर, इसलिए यहाँ पर 3 डिवीज़न है तो यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे 3 मिली एम्पियर। सो इस टेबल पर यदि मैं चाहूँ हम भी कि हमारी वैल्यूज़, तो पहले ऑब्जर्वेशन पे यहाँ पर हम रख देंगे 2 वोल्ट, यहाँ पर 200, यहाँ पर 200, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है, और यहाँ पर ऑब्जर्व वैल्यूज़ हमारी आ जाएगी 3 मिली एम्पियर। ये 3 मिली एम्पियर जो कैलकुलेशन है हमारी 3 मिली एम्पियर के आसपास यदि मिलता है तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। उसी तरह से हम इसको रिपीट करते हैं, सपोज़ मैंने 4 वोल्ट इसको दे दिया, सपोज़ ये अप्रॉक्सीमेटली हमने 4 वोल्ट के आसपास रखा है, हमारी R1 और R2 की वैल्यूज़ भी एज इट इज़ 200 ओम है, और अब जो यहाँ पर जो हमारा करंट जो है ये 7 मिली एम्पियर बतला रहा है। सो अब हम यहाँ पर सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हम रखेंगे 4, 200, 200,
ये कैलकुलेटेड वैल्यूज आ जाएंगी और यहाँ पर आ जाएगा 7 मिली एम्पियर। तो ये जो फार्मूला बताएगा यदि वो 7 मिली एम्पियर के आसपास आता है तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। और इस तरह से हम इस थ्योरम को हम प्रूफ कर लेते हैं। थैंक यू।